अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप अपना मोबाइल रूट करना चाहते हैं तो मेरी थोड़ी सी बातें सुन लीजिएगा। बड़ी काम की बातें और बड़ी अच्छी बातें बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा सुन लिया करें यार। बात यह है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि जी आप किंग रूट से हटके कोई क्यों नहीं एप्लीकेशन बताते, कोई ऐप ऐसी ढूंढे कि जो किंग रूट से हटके हो। तो बात तो समझ में आई, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल ये बोला था कि मैं रूट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन बात समझ में आई। तो मैंने कल रात को गूगल पे सर्च किया, काफी एप्लीकेशंस मुझे मिली रूट के हवाले से, बट मुझे जो एप्लीकेशन अभी मिली है, जो भी आपको मैं वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, वो बहुत अच्छी है। तो पहले सबसे पहली जो मैंने ट्राई की वो मैंने अपनी बेटी मेरी बेटी का मोबाइल है लेनोवो, मैंने उस पर ट्राई किया। सो बहुत सक्सेसफुली वो रूट हुआ जबरदस्त। और आज मैंने अपने ऑफिस के जो मेरे कलीग्स हैं उन के मोबाइल, एक के पास सैमसंग था उसका मोबाइल मैंने रूट किया उस एप्लीकेशन से, बिल्कुल रूट हुआ। और एक के पास ओप्पो था उसका भी रूट हो गया, और एक के पास आई थिंक लेनोवो ही था उसके पास। तीन मोबाइल मैंने आज ऑफिस में रूट किए हैं, और एक अपनी बेटी का चार, और आज एक वीडियो जो मैंने अभी आपके लिए बना रहा हूं, तो अभी जो पांचवा मोबाइल मैंने वो रूट किया है। एप्लीकेशन मुझे अच्छी लगी, मैं सेटिस्फाइड हुआ हूं, तो वो एप्लीकेशन आप लोगों को दे रहा हूं। आपको पता है कि मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा अच्छा चैनल है, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं यार, तो मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं मुतमइन हूं उस एप्लीकेशन से। और उनकी अच्छा उन लोगों का दावा यह है जो एप्लीकेशन मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने वीडियो के एंड में बताई है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उसको आप विजिट कीजिएगा, जिसपे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये कहते हैं कि जी एंड्रॉइड की तमाम डिवाइसेस चाहे वो गैलेक्सी, मतलब कोई भी हो यार, कोई भी, सब इन्होंने लिखी हुई है सारी, ठीक है, और कोई अपना मोबाइल आप सर्च कर लीजिए उसमें, वो उसमें दिखा देगा। तो ये कहते हैं कि 98% डिवाइसेस हमारी जो है वो क्या नाम है, हमारी एप्लीकेशन से रूट हो चुकी हैं और होती हैं। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था उसका, अगर आपके पास फुर्सत हो आप भी पढ़ लीजिएगा, तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने कमेंट्स में गया उनके, तो कमेंट्स में जब मैंने पढ़े तो 95% मुझे कमेंट्स अच्छे मिले, कि फिर मैंने वाकई मैंने कहा नहीं यार अच्छी चीज़ है। तो मैंने आज अप्लाई किया, तो तीन मोबाइल मैंने ऑफिस में रूट किए, एक मैंने अपनी बेटी का किया, और अभी एक मोबाइल जिस मोबाइल पे मैंने वीडियो बनाई है, अच्छा इस मोबाइल पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करता हूं, तो ये वाला जब मैं अपने मोबाइल को रूट कर रहा था तो इसमें क्या कर रहा था वो कि वो समटाइम्स आपको मालूम है कि जब आप रूट करते हैं तो आपका मोबाइल समटाइम्स रिबूट हो जाता है, तो मेरे मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल को जब रूट कर रही थी तो वो रिबूट हो रहा था, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी जाहिर है कि जब रिबूट होता है तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है सारी तबाह बर्बाद। तो मैंने फिर वो दूसरे मोबाइल पर बनाई है, उसकी मेमोरी फुल मतलब हुई हुई है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन तरीका मेथड पूरा समझा दिया है। उसकी डाउनलोड का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएंगे और डाउनलोड कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जो मुझे नया सुन रहे हैं, जो पहली मरतबा मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, सबसे पहले तो नीचे देखें लिखा हुआ है लाल कलर का, सब्सक्राइब कर दें यार, भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दबा दें। दूसरी बात कि उसके बराबर में एक बेल का भी निशान है घंटी का, उसको भी दबा दें, ताकि उसका फायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने आपको मिल जाएगा, फायदा ये होता है, राइट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेरी या किसी की भी तो राइट, और यार वीडियोस को शेयर करना भी मत भूला करें यार, कर दिया करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक सिर्फ शेयर के बटन पे आपने क्लिक करना है, कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगा करे तो जरूर लाइक भी किया करें, अच्छी ना लगा करे तो डिसलाइक भी कर दिया करें, पर किया करें, ठीक है, इससे आइडिया होता है कि क्या मतलब चल रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं। और इस एप्लीकेशन से अगर आपका मोबाइल रूट होता है, ये स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छी है, जो मेरे तमाम ऐसे मेरे कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका मोबाइल रूट नहीं हो रहा किंग रूट से, तो मैं समझता हूं कि जो मैं आपको ये एप्लीकेशन बता रहा हूं इससे आपका मोबाइल रूट हो जाए। मैं मतलब गारंटी नहीं दे रहा, कोई गारंटी नहीं दे रहा, बट मैं 90% जो है उसकी समझ सकता हूं कि 90% आपका आई एम श्योर कि आपका होपफुली आपका जो है वो रूट हो जाए। तो अगर जिन जिन का इस एप्लीकेशन से रूट हो, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि ये एप्लीकेशन कितना काम कर रही है। सो हम टाइम को बचाते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं उस वीडियो की तरफ। प्लीज फिर कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी मत भूलिएगा, आपके लिए मेहनत करते हैं यार,
आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। और मेरी खुशी इसमें है कि आप लोगों का मोबाइल, मेरे कितने ऐसे भाई हैं, मुझे कितने ऐसे कमेंट्स मिलते हैं यार कि हमारा मोबाइल रूट नहीं हो रहा, सब बता रहे होते हैं कि हमारी ये डिवाइसेज हैं यार। अब सबको एक एक करके रिप्लाई, एक एक करके फेसबुक के ऊपर रूट करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये अच्छी एप्लीकेशन मिली है, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छे से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई एरर आए या कोई रूट अगेन का, मेरे पास तो आया नहीं है, अगर आपके पास आ जाए तो उसको रूट अगेन कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, ठीक है। समटाइम्स एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई कि आप लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कुछ मोबाइल्स बहुत जल्दी रूट हो जाते हैं, यार ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है ना, आपका मोबाइल जल्दी रूट हो जाएगा, याद रखिएगा मेरी बात, राइट। कोशिश करें कि अपना मोबाइल दिन में रूट करें, क्योंकि दिन में नेटवर्क पे लोड जरा कम होता है तो इस वक्त स्पीड भी अच्छी मिल रही होती है। तो मेरा मशवरा यह है कि आप दिन में इसको यूज करें, ठीक है, दिन में रूट करें अपने मोबाइल को, रात में ना करें। और जब रूट फेल्ड लिखा हुआ आता है, मींस आपका या तो क्या नाम है, मतलब इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम है, टेंशन मत लिया करें, उसको रूट अगेन कर दें, कोई टेंशन नहीं है। इस एप्लीकेशन में कोई ऐसा नहीं आया मेरे पास, अगर आपके पास आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी गाइज, एक्चुअली मैं जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस मोबाइल पे मैं रूट नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप रूट करते हैं तो इस प्रोसेस में समटाइम्स आपका मोबाइल जो है वो रिबूट होता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली जो रिकॉर्डिंग है वो, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी मेहनत करूँ और बाद में आपका एकदम मोबाइल रीस्टार्ट हो जाए तो फिर वो रिकॉर्डिंग आपकी बर्बाद हो जाती है। एनीवेज, मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता हूँ, मेरे सामने दूसरा मोबाइल रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मैं, राइट। आपने सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में आपको करवा दूं, आपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, राइट। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है सिक्योरिटी, राइट। आप ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी पे आपने क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है, ये आप देख रहे हैं अननोन सोर्सेस, इस पे चेक लगा हुआ है, आप मेक श्योर कि आप अननोन सोर्सेस के ऊपर आपने चेक लगाना है, राइट। अननोन सोर्सेस का आपका चेक लगेगा तो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी और इंस्टॉल होगी, अननोन सोर्सेस, ठीक है। ये चीज, ये बहुत जरूरी होती है, बाज लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा, पहले मैं आपको मैं आपको क्रोम दिखा दूं कि जो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो एप्लीकेशन, इसका जो डाउनलोड का लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जब आप इसका जो लिंक, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, राइट, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि डाउनलोड iRoot 3.24, राइट, डाउनलोड iRoot, ये आप देख रहे हैं 3.24, या लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पर, राइट। ये जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, सो हम बाहर आते हैं यहां से, पहले आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, राइट। अब मैं आपको रूट चेकर से चेक भी करवा दूं, आप देख रहे हैं रूट चेकर, राइट। थोड़ा फोकस कर दूं, थोड़ा जूम सही नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं रूट चेकर पर क्लिक कर देता हूं और आपको वेरीफाई भी करवा देता हूं कि ये मोबाइल रूटेड है या नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है, मैं अपने रूम से काफी दूसरे वाले रूम में हूं और यहां पर जो है वाईफाई के जो बाहर चले हैं। ये आ गया वेरीफाई रूट, तो हम इसको वेरीफाई रूट पे हम क्लिक कर देते हैं और मैं आपको रूट भी चेक करा दूं। देखिए वेरीफाई कर रहा है और देखिए आपने ये कह रहा है कि सॉरी, रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस, राइट। सो अब हम यहां से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए, राइट। अब आप ये देख रहे हैं iRoot, ठीक है, आपने ये अपने पास डाउनलोड की हुई होगी, सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो अभी आने वाला है।
यहां से आपने आई अग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, आई अग्री पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नो रूट परमिशन, मतलब ये मोबाइल रूटेड नहीं है। सो आपने गेट रूट एक्सेस पे आपने क्लिक कर देते हैं हम। जब आप गेट रूट एक्सेस पे क्लिक करेंगे सो बिल्कुल ये किंग रूट की तरह चल पड़ेगा। मेरे ख्याल में क्लिक नहीं हुआ, ओके हो गया। सो ये बिल्कुल किंग रूट की तरह चलना शुरू कर देगा, राइट। सो एक चीज मैं आपको फिर बता दूं कि मैं हमेशा वो वीडियो देता हूं, मेरी कोशिश ये होती है मैं जब खुद से मुतमईन हुआ हूं तो जाके मैं आपको ये एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं, आपको ये एप्लीकेशन दे रहा हूं जिससे मैं सेटिस्फाई हुआ हूं, राइट। सो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। ये देखें लिखा हुआ आ गया कि रूट सक्सेस हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको यहां से हम जाते हैं बैक। अब देखें लिखा हुआ आ रहा है गॉट रूट एक्सेस और हम बाहर निकलते हैं यहां से। जी गाइज, आपने देखा कि रूट सक्सेसफुल हो गया था और अब मैं आपको दिखाता हूं, लेके चलता हूं ब्राउजर पर और मैं आपको इन लोगों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको मैं उसका जरा www.iroot.com देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप ये देख सकते हैं यहां पर कि इनका कहना ये है कि 27 करोड़ 55 लाख 70,419 डिवाइसेस इनकी एप्लीकेशन से रूट हुई हैं। ठीक है, सो आपको मैं आपको और भी दिखा देता हूं कि डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं। सो ये देखें ये इन जैसे सैमसंग की हो गई, सैमसंग हो गई, HTC हो गया, ठीक है, इसके अलावा हवाई की हो गई, ZTE की हो गई, ठीक है। मैं अभी देख रही सारे इनका मानना, इनका दावा ये है कि ये तमाम एंड्रॉइड डिवाइसेस को ये एप्लीकेशन रूट करती है। सो गाइज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने भाई की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। आई होप मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन भाइयों का iRoot से रूट हो जाए मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये एप्लीकेशन उनके लिए कितनी फायदेमंद है या नहीं है। मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।